और एक बार रिमूव करो सेंटर को। तो ये देखो जो हमने कि 2 kg गेन किया, बहुत ही लीन गेन किया, कहीं भी फैट नहीं आया है, यार यू कैन सी। और गाइज आई होप यू ऑल आर गुड, वेलकम टू माई चैनल। आज हम चेस्ट की एक्सरसाइज करने वाले हैं। आपको पता है मेरा गेनिंग फेस स्टार्ट हो चुका है और रमन भाई आ चुका है मेरी वीडियो वगैरह बनाने के लिए, तो आज भैया के साथ चेस्ट की एक्सरसाइज लगाएंगे, देखते हैं कैसा वीडियो बनता है। तो आई होप आप ये वीडियो इंजॉय करो और आगे मिलते हैं। तो गाइज ये ना हमेशा जब भी आता है एक वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा मौसमी का 40 रुपये का वेस्ट करवाता। आप देखो ये अपना मौसमी का जूस बनवा रहा भाई से, दिखा दे शक्ल दिखा दे। फिर आप जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। मतलब जब लेग्स डे हो और हमारी लिफ्ट चल रही हो, अगर बंद हो जाती है, लाइट ऑफ हो जाती है, तो आ चुका है हमारा भाई। सारी वीडियो से लगभग सारी की सारी इसी ने बनाई है। अब ये जाने वाला है 21 तारीख को। इसका कॉलेज ओपन हो चुका है, चला जा भाई। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि भाई तू कौन सा साइकिल चला रहा है, तो ये वाली साइकिल मैंने गेमिंग में चला रखी है साइकिल। कटिंग में दूर था क्योंकि उसको कुछ ज़्यादा ही देर तक बैठना रहता था, तो काफ़ी देर करना पड़ता था, तो इसीलिए मैंने कटिंग में वो वाली साइकिल चलाई है। तो यही है मेरी साइकिल गैराज। तो गाइस भैया आ चुके हैं, अब चलते हैं भैया से पूछते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज लगानी है। वार्म अप हो चुका है हमारा, और आप लोगों को देखने को मिलेगा आज वर्कआउट में ड्रॉप सेट एंड कंपाउंड सेट। तो कुछ लोगों को पता होगा कि ड्रॉप सेट क्या होता है और कंपाउंड सेट क्या होता है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। तो जब हम वर्कआउट करेंगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि ड्रॉप सेट क्या होता है और कंपाउंड सेट क्या होता है। तो सर स्टार्ट करो प्लैंक बेंच से। ओके यार, हाँ।
पूजा ने बताया कि कंपाउंड सेट वो सेट होता है जब हम कोई एक्सरसाइज के साथ दूसरी एक्सरसाइज करते हैं अल्टरनेट में, उसे हम कंपाउंड सेट कहते हैं। मुझे भी नहीं पता था क्यों, भैया ने पीएचडी मार के मुझे भी बताया था, क्योंकि मुझे 2 से 3 साल हो गए लेकिन ऐसा वर्ड मैंने सुना नहीं था। तो चलो करते हैं एक्सरसाइज। इसके बाद अशर डिक्लाइन बेंच प्रेस और हाई टू लो केबल क्रॉस करेगा, कंपाउंड सेट करेगा इसमें भी, और ये एक्सरसाइज हमारी पेट्रोल माइनर के लिए है। तो अभी मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, हैव टू गो। और अशर इसके बाद आपको ये दो कंपाउंड सेट करना है और इसके बाद फ्लैग पे डंबल फ्लाई करना है जो आपके लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। और आपको पता ही है कि अर्शद की गेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये एक आज हमने, जैसे कि मैंने बताया था, हम आपको बताया कि आपने 8 डेज कितना गेन किया अर्शद ने, तो अर्शद अभी आपने कितना गेन कर लिया है 8 डेज में? 3 kg हो चुका है। और कितना लूज किया था आपने 8 वीक्स में लास्ट? 10 kg लूज किया था, जिसमें से अभी हमने गेनिंग स्टार्ट किया है, 8 डेज हुए हैं और 2 kg अभी गेन हो चुका है। और एक बार रिमूव करो सेंटर को प्लीज। तो ये देखो जो हमने कि 2 kg गेन किया, बहुत ही लीन गेन किया, कहीं भी फैट नहीं आया है, अब यू कैन सी। और जो हमने 2 kg गेन किया, बहुत ही लीन गेन किया है, कहीं भी फैट नहीं है अभी। और हम आपको हर हफ्ते अपडेट देते रहेंगे इसकी गेनिंग का, भी कितना गेन कर लिया है हमने। तो 2 kg हो चुका है विद इन 8 डेज, देखते हैं आगे कैसा रहता है। अभी हम पूरे 2 मंथ्स की गेनिंग करेंगे, ठीक है। हो सकता है आगे अर्शद कंप्लीट भी करे, तो हम उसका भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, सपोर्ट अर्शद, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो करो, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और देखते हैं अर्शद कैसा परफॉर्म करता है ऑन स्टेज। बहुत दिनों बाद हैवी लिफ्ट करने का मौका मिल रहा है और हैवी उठ भी रहा है, पहले नहीं उठता। आपको पता है गेमिंग फेज स्टार्ट हो चुका है अर्शद का, तो अब उठेगा और गेनिंग में हैवी लिफ्ट करना है मुझे इस बार काफी। और इसके साथ साथ हम डिक्लाइन डंबल
भैया नहीं रहते हैं तो एक मोटिवेशन का नहीं रहता। थोड़ा भी चेंजेस आया मेरी बॉडी के अंदर, फिजिक के अंदर, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और काफ़ी मोटिवेशन मिली मुझे पिछले वीडियो में, जिसमें भैया के साथ चैलेंज की एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया उस वीडियो में, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो में भी दें, आने वाली वीडियोज़ में भी दें। उस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। आपको जैसे भैया ने बताया कि 8 दिन में मेरा गेन हुआ है, 2 से 3 kgs गेन हुए हैं। मैंने 67 पे स्टॉप करा था अपना लीन फेस। अब जो है, अब मैं आपको वेट दिखाता हूँ कि मेरा वेट अभी एक्चुअल में कितना है। करंट वेट मेरा 70 हो चुका है। अभी इस बार हम जो लीन गेन कर रहे हैं वो काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि मैंने जो 2 साल में कचरा भर भर के मैंने गेन करा है वो इस बार नहीं होगा। काफ़ी अलग चेंजेस हुए हैं, जिसमें कि मैं क्लीन डाइट रख रहा हूँ, उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दी है। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए, तो इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियोस आपको कैसी चाहिए और कैसी लग रही है आपको वीडियो। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपको नई एक वीडियो में। बाय गाइज़।